हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन दिस प्रॉब्लम दिस इज गिवन दैट मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड प्लैंक, एज यू कैन सी इन द फिगर, मास ऑफ दीस टू इज सेम, दैट इज इक्वल टू m. और हमें पूछा गया है कि अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दें सॉलिड सिलेंडर को, तो टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ द सिस्टम क्या होगा. दिस इज ऑल्सो गिवन दैट देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट पॉइंट. इफ देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसका मतलब ये है कि दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा. दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट का मतलब है सिलेंडर का ग्राउंड के साथ और सिलेंडर का प्लैंक के साथ. इन दोनों जगह पर फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू अननोन है. तो ऐसी प्रॉब्लम्स में बच्चों, हम फोर्स मेथड ना यूज़ करके अगर एनर्जी मेथड यूज़ करें तो प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हो जाता है. एनर्जी मेथड देखिए, एनर्जी मेथड क्या होता है, हमें पता है कि टोटल एनर्जी SHM की कांस्टेंट होती है. टोटल एनर्जी ऑफ SHM इज कांस्टेंट, दैट वी नो. सो व्हाट वी डू इज़, हम टोटल एनर्जी लिखकर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में और उसको ज़ीरो पुट कर देते हैं. इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की कंडीशन आ जाती है और टी इक्वल टू 2π/ω से हमें इसका टाइम पीरियड पता लग जाता है. ये SHM की कंडीशन होती है, ये हमें पता है. तो इस मेथड में हम यही अप्लाई करने जा रहे हैं. थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मान लीजिए इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है सॉलिड सिलेंडर को. इस तरीके से डिस्प्लेस करते हैं कि स्प्रिंग में एक में x का एक्सटेंशन और एक में x का कंप्रेशन आ जाता है. राइट की तरफ मैंने डिस्प्लेस किया, सो दैट डिफॉर्मेशन इन बोथ द स्प्रिंग्स इज x. इसकी वजह से हम ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर v है. जब डिफॉर्मेशन x है तब वेलोसिटी v है. अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है उस इंस्टेंट पर, तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी वी ए इक्वल टू वी माइनस आर ओमेगा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट पॉइंट. और टॉप मोस्ट पॉइंट बी की वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो वी बी विल बी इक्वल टू वी प्लस आर ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2v. दैट वी ऑल अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई खास बात नहीं है. नाउ लेट्स फाइंड व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो टोटल एनर्जी विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर. सो ई इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 i ω². दिस इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर प्लस 1/2 m इंटू 2v² एज वी कैन सी वेलोसिटी ऑफ बी इज 2v एंड बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग सो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विल ऑल्सो बी 2v. Now there are two springs and deformation in the spring is x. So spring potential energy will be equal to 2 × 1/2 kx². This comes out to be total energy of the system. We know that I is equal to mr² / 2 hoga for solid cylinder. So let's put the value I e equal to 1/2 mv² plus 1/2 mr² / 2. ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज v² / r² फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड प्लस 1/2 m × 4v² काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक प्लस kx² इज टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू स्प्रिंग्स. सो दिस कम्स आउट टू बी, यू कैन सी दैट r² विल गेट कैंसिल आउट, 1/2 mv² प्लस 1/4 1/2 mv² प्लस 1/4 mv² प्लस 2 mv² प्लस kx² विच कम्स आउट टू बी 4 × 2 = 8 प्लस 2 = 10 = 111 बाय 4 mv², यू कैन चेक, प्लस kx² 4 LCM लेंगे तो 8 प्लस 2 = 10 = 111
plus 1, 11 by 4 mv square plus kx square. So E comes out to be 11 by 4 mv square, 11 by 4 mv square plus kx square. Now, if we differentiate it with respect to time, we get dE by dt equal to 0 because E is constant. This is equal to 11 by 4 m 2v dv by dt plus 2kx dx by dt. Now, one important thing here is that dx by dt will not be equal to v. Dx by dt will be equal to 2v because this Planck is displaced by a distance x and its velocity we have assumed equal to 2v. तो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जनरली dx by dt को v लिख देते हैं. इससे बचने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप जिसकी वेलोसिटी v माने उसी का डिस्प्लेसमेंट x करें, या फिर आप ये ध्यान रखें कि आपने जिसको x डिस्प्लेस किया है dx by dt will give you velocity of that object. तो यहाँ पर x डिस्प्लेस हमने किसको किया है, प्लैंक को. तो dx by dt will give us velocity of Planck, not velocity of center of mass of solid cylinder. So dx by dt here, that will be equal to 2v. This is important. ये बच्चे mistake करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है. So let's put the value in equation 3. What we get is 0 equal to 11 by 4 m 2v dv by dt plus 2kx into 2v dv by dt. Now you can clearly see that v gets cancelled out, 2 से 4 cancel हो जाएगा. तो 0 equal to 11 by 2 m dv by dt is acceleration of center of mass plus 4kx. So A comes out to be minus 8k divided by 11 m into x. Now comparing it with A equal to minus omega square x, we get omega equal to 8k upon 11 m and time period t is equal to 2 pi under root 11 m by 8k. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ध्यान रखने की क्या रही, वो क्या रही कि आप जिसको x डिस्प्लेस कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने पर उस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आएगी. हम जनरली dx by dt को v लिख देते हैं और ये चेक नहीं करते कि x हमने किसको डिस्प्लेस किया है. अगर ये ध्यान रखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. प्रेफरेबली इस